जय हिंद स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड और चैप्टर नंबर फर्स्ट नोइंग और नंबर्स. ओके, एंड इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव लर्न्ड हाउ टू एस्टिमेट अ नंबर टू नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड एंड नियरेस्ट थाउजेंड. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किसी भी नंबर को हम किस टाइप से राउंड ऑफ कर सकते हैं या एस्टिमेट कर सकते हैं. एंड टूडेज टॉपिक इज रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो रोमन थे वो क्या यूज़ करते थे? डिफरेंट सेट ऑफ सिंबल्स एज देयर न्यूमरल. रोमन्स क्या करते थे? डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते थे नंबर्स को राइट करने के लिए. लाइक और हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अनदर एंशियंट सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज द रोमन सिस्टम. ठीक है, पुराने टाइम में रोमन सिस्टम यूज़ होता था. ठीक है, और हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या होता है? जैसे कि हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, हम क्या करते हैं इस टाइप के नंबर्स राइट करते हैं. बट जो रोमन्स थे वो कैसे नंबर यूज़ करते थे? जैसे उन्होंने लिखा सिंबल यूज़ करते थे, जैसे 1 को वो कैसे लिखते थे? इस टाइप से आई, इसे हम क्या कहते हैं आई. 2 उन्हें लिखना है तो 1, 2, इसे रिपीट करेंगे 2 के लिए 1, 2. 3 के लिए वो क्या लिखेंगे, कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? आई 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 3 times. एंड 4 के लिए क्या करेंगे वो? क्या 4 times करते थे? 1, 2, 3, 4. इस टाइप से वो यूज़ नहीं करते थे 4 के लिए. उनके लिए क्या था डिफरेंट सिंबल? आई वी, इस टाइप से राइट करते थे. इसी टाइप से 5 के लिए वी राइट करते थे. तो इस टाइप से ये क्या है हमारे रोमन न्यूमरल्स, एंड दिस इज हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. अब 4 के लिए वो ये वाला सिंबल राइट क्यों नहीं करते थे? क्योंकि किसी भी सिंबल को हम 3 times रिपीट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3. ठीक है, 4 के लिए हम 4 times रिपीट नहीं कर सकते, मैक्सिमम हम 3 times रिपीट कर सकते हैं किसी भी सिंबल को रोमन न्यूमरल्स में. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स टू राइट एनी न्यूमरल. ठीक है, किसी भी न्यूमरल, रोमन न्यूमरल में किसी भी न्यूमरल को राइट करने के लिए हमारे पास कितने सिंबल्स हैं बेसिक? 7. कौन कौन से सिंबल है? आई आई, ये क्या है? वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम. ठीक है, ये हमारे पास सिंबल्स हैं, बेसिक सिंबल्स हैं. और ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब इनका मीनिंग क्या हुआ? हिंदू अरेबिक न्यूमरल में इन्हें हम किस टाइप से ऐड करेंगे? आई को हम क्या बोलेंगे? 1. वी, वी किसको डिनोट करता है? 5 को. एक्स करता है 10 को. एल, एल करता है 50. दिस सी, सी किसको डिनोट करता है? 100. डी करता है 500. और एम करता है 1000 को डिनोट. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? रोमन न्यूमरल्स है. एंड स्टूडेंट्स, देयर इज नो सिंबल फॉर 0. ठीक है, रोमन सिस्टम में 0 के लिए कोई भी सिंबल नहीं है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, रोमन न्यूमरल्स राइट करने के कुछ रूल्स हैं, वो हम यहाँ पे समझते हैं. तो रूल नंबर फर्स्ट इज, व्हेन अ लेटर इज यूज्ड मोर देन वंस, अगर कोई लेटर एक से ज़्यादा बार यूज हो रहा है, वी ऐड इट्स वैल्यू ईच टाइम टू गेट द नंबर. तो हम क्या करेंगे, उन्हें ऐड कर देंगे. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आई 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 3 times लिखा, तो ये 3 times ऐड हो जाएगा. आई मीन्स 1, सेकेंड प्लस 1, और इसका मतलब भी क्या है? 1. तो इनको ऐड करके कितना आएगा? 3. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 3. इसी टाइप से अगर हम x राइट करते हैं, x को हमने 2 times राइट करा, तो इसका मीनिंग क्या होगा? x का मीनिंग होता है 10. सेकेंड x का मीनिंग भी 10. x प्लस x क्या करेंगे? 2 times है तो 2 times प्लस करेंगे, तो इसका मीनिंग हुआ 20. 20 हम कैसे राइट करेंगे? एक्स एक्स. अब हम समझते हैं, अगर यहाँ पर है एक्स एक्स एक्स, अब 3 times है तो क्या लिखेंगे? 10 plus 10 plus 10. तो कितना हो जाएगा? 10 plus 10 plus 10 means 30. ठीक है, अगेन सी सी सी, 3 times हमने सी लिखा, तो इसका मीनिंग, सी का मीनिंग क्या था? 100 100 plus 100. अगर ये सी 2 times होता तो हम 100 plus 100 करते, यहाँ पर 3 times है 100. 3 times हमने लिखा और इसका मीनिंग हुआ 300.
ठीक है, इसी टाइप से एम को समझते हैं. एम 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 मैंने टू टाइम्स लिखा. एम का मीनिंग क्या होता है? थाउजेंड. थाउजेंड प्लस थाउजेंड, थाउजेंड प्लस थाउजेंड कितना होगा? टू थाउजेंड. इसका मीनिंग क्या हुआ? टू थाउजेंड. ओके, और आपको इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, द सेम सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन थ्री टाइम्स. हम तीन से ज्यादा बार एक ही सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते. मीन्स अगर मैं यहाँ पे चाहूँ, यहाँ पर एक्स हमने लिखा, एक्स 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 एक्स, तो बस हम थ्री टाइम्स ही इन्हें राइट कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पर इस टाइप से 40 के लिए अगर हम ये लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, दिस इज रॉन्ग. तो हम तीन से ज्यादा बार किसी भी सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते. एंड वन मोर थिंग, द सिंबल वी एल डी आर नेवर रिपीटेड. वी एल एंड डी, ये जो सिंबल्स हैं, वी का मीन्स 5, एल 50 एंड डी, ठीक है, ये कभी भी रिपीट नहीं होते. यहाँ पर हमने आई को रिपीट किया, एक्स को किया, सी को किया और एम को किया, बट वी एल डी कभी भी रिपीट नहीं होते. वी एंड वी, 5 + 5 हम इसे राइट नहीं कर सकते. दिस इज रॉन्ग. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड रूल इज, व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ लार्जर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ द लार्जर सिंबल. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं. हमने लिखा वी एंड आई, वी आई, इसका मतलब क्या है? क्या कह रहा है ये? व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट, ये क्या है? आई, आई क्या है? स्मॉल, स्मॉलर है. आई को हम क्या बोलते हैं? वन. वी का मीन्स, वी का मीनिंग क्या हुआ? फाइव. एंड आई का मीनिंग क्या हुआ? वन. तो अगर जो छोटा नंबर है ये, आई क्या है? छोटा है. अगर ये राइट में है, राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ लार्जर वैल्यू, लार्जर वैल्यू के राइट में है छोटा सिंबल, ठीक है, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को एड कर देंगे टू द वैल्यू ऑफ द लार्जर सिंबल. मीन्स लार्जर में हम इस वाली वैल्यू को एड कर देंगे. तो लार्जर वी क्या है? फाइव. एंड आई क्या है? स्मॉलर. तो दोनों को एड करेंगे क्योंकि ये राइट में लिखा हुआ है, स्मॉलर नंबर. तो 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6. ओके, इसी टाइप से एक और देखते हैं हम, एक्स एंड आई. एक्स को हम क्या बोलते हैं? 10. एंड आई मीनिंग, आई का मीनिंग क्या हुआ? 1. अब क्या है? छोटा नंबर है राइट साइड, और बड़ा नंबर क्या है? लेफ्ट साइड है. लेफ्ट साइड बड़ा नंबर है और राइट साइड छोटा नंबर है, तो उन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. क्या करेंगे? एडेड लिखा है यहाँ पर, तो ऐड कर देंगे. तो एक्स आई का मीनिंग हुआ 10 + 1 = 11. एक्स 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 वी आई आई. ठीक है, हमने ये नंबर लिया. अब एक्स 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 का मीनिंग क्या होता है? थ्री टाइम्स है ये, तो प्लस हो जाएगा 10 + 10 + 10. एक ही सिंबल थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है. अब वी का मीनिंग, वी का मीनिंग क्या हो? 5. ठीक है, ये बड़ा नंबर है वी, आई छोटा नंबर है, तो सबसे बड़ा नंबर एक्स हुआ, उससे छोटा वी और उससे भी छोटा आई. तो इन सबको हम क्या करेंगे? छोटे नंबर क्या है? राइट साइड है, तो ये सब ऐड हो जाएंगे. 5 + 1 + 1, 10 + 10 + 10, 5 + 5 + 1 + 1. तो इन सबको ऐड करके कितना आएगा? 37. ठीक है, 10 + 10 + 10 30 + 5 = 35, 36 = 37. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? एक्स 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 वी आई आई, इसका मीनिंग हुआ 37. वन मोर एग्जाम्पल, एल एक्स वी आई. इसमें भी क्या चल रहा है? एल क्या है? सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा एक्स, उससे छोटा वी और सबसे छोटा आई. तो इनको भी हम क्या करेंगे? छोटा नंबर क्या है? राइट साइड है. छोटे नंबर राइट साइड है और बड़े नंबर लेफ्ट साइड है, तो ये सब ऐड हो जाएंगे. एल का मीनिंग 50, एक्स का मीनिंग 10, वी का मीनिंग क्या हुआ? 5, और आई का मीनिंग 1. ऐड करेंगे 50 and 10 60, एंड 5 65, एंड 1 66. तो इस सिंबल का मीनिंग क्या हुआ? 66. हिंदू अरेबिक में हम क्या बोलेंगे इसे? 66. एंड रोमन न्यूमेरल में एल एक्स वी आई. नाउ स्टूडेंट्स, रूल नंबर थर्ड इज, व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ लार्जर वैल्यू,
द स्मॉलर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर वैल्यू, इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अब समझते हैं, हमने यहाँ पर एक नंबर लिया आई वी, आई वी इसमें क्या है, आई क्या है, छोटा है, आई का मीनिंग क्या होता है वन, और वी का मीनिंग फाइव। तो अगर हमारा छोटा नंबर लेफ्ट साइड है बड़े नंबर के, ठीक है, उसका अपोजिट है, जैसे हमने रूल नंबर सेकंड देखा था उसका अपोजिट, उसमें क्या था, छोटा नंबर बाद में था, यहाँ पर क्या है, आई हमारा पहले है और आई का मीनिंग वन होता है, वी का मीनिंग फाइव। तो अगर छोटा नंबर हमारा पहले है तो उसे उसमें क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। अब बड़ा नंबर क्या है, वी, तो इसे हम लिखेंगे, वी को लिखेंगे फाइव एंड आई को हम लिखेंगे वन, तो हम क्या करेंगे, इन्हें माइनस करेंगे, माइनस करके कितना आएगा, फाइव माइनस वन फोर, मीन्स आई वी का मीनिंग क्या हुआ, फोर, आई वी क्या होगा, फोर होगा। इसी टाइप से आई एक्स, आई छोटा नंबर है और ये लेफ्ट में है, बड़ा नंबर राइट है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और किस में से होगा, बड़े में से छोटे हो करेंगे, मीन्स एक्स का मीनिंग हुआ टेन, आई का मीनिंग हुआ वन, माइनस हो जाएगा, टेन माइनस वन दिस इज नाइन। एक्स एल, इसमें भी क्या है, एल का मीनिंग 50 होता है और एक्स का 10, तो छोटा नंबर पहले है बड़ा नंबर बाद में है, माइनस करेंगे एल में से एक्स को, तो एल में से एक्स को माइनस करेंगे, एल मीन्स 50, एक्स मीन्स 10, तो एक्स एल का मीनिंग क्या हुआ, 40, 50 माइनस 10 40। नाउ एक्स सी, एक्स सी यहाँ पर भी एक्स 10 है, सी 100, ठीक है, तो बड़ा नंबर बाद में है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे 100 में से एक्स को, 100 में से 10 को, 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 क्या होगा, 90। अगर हमें राइट करना है सी डी, सी डी हमने लिखा सी डी, सी डी तो यहाँ पर सी होगा 100, डी होगा 500, तो यहाँ पर भी छोटा नंबर पहले है तो 500 में से 100 को माइनस कर देंगे, 500 माइनस 100, तो 500 माइनस 100 क्या होगा, 400। सी एम, अगर यहाँ पर लिखा है सी एम, सी मीन्स 100, एम मीन्स 1000, ठीक है, छोटा नंबर पहले है, 100 पहले है, 1000 बाद में है, तो माइनस करेंगे 1000 में से 100 को, 1000 माइनस 100, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 900। तो इस टाइप से हम, ये हमारे कुछ रूल्स हैं जिनके थ्रू हम रोमन न्यूमरल्स राइट करते हैं। ओके स्टूडेंट।